हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन चंगेजी। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसमें मैंने बड़े पीसेस में हल्का सा कट लगा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही, 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा लाल मिर्च पाउडर है, 1 tablespoon गरम मसाला, 1 tablespoon नमक। इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने स्पून से कोशिश की थी, बट ऐसा आप मत करिएगा, हाथ से मिक्स कीजिएगा। अब हमें चिकन को अच्छे से दही में कोट कर देंगे, और इसे हमें 15 मिनट के लिए किसी ठंडे जगह पे मैरिनेट होने के लिए रखना है। अब आइए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में डाल लिया है 3 बड़े चम्मच तेल। इसमें डालेंगे ऐसे बड़ी कटी हुई मिर्ची, और यहाँ पे मैंने 1/2 kg प्याज लिया था। इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। 1 kg चिकन के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg प्याज का यूज किया है, और इसे हमें अच्छे से भूनना है। अब जब हल्का सा ये कुक हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मगज के बीज और थोड़े से काजू, लगभग 1 चम्मच ये मगज के सीड्स है, और 3-4 काजू हैं। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ में ही। अब ये देखिए, हमारा प्याज जो है भून चुका है। अब इसे हमें किसी प्लेट में निकाल लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे मैंने 2 पैन चढ़ा दिया है, दोनों में डाला है मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। अब हमें लो फ्लेम पे चिकन को हमें भूनना है। तो जब ऑयल गर्म हो जाए, तो जो हमने मैरिनेट किया होता चिकन के पीसेस को हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। दूसरे पैन में भी मैंने चिकन को डाल दिया है। मैंने 2 पैन इसलिए यूज किया है कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसे 5 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसे हम ढक देंगे। इसे ढक के हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। दस मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं चिकन ने बहुत सारा पानी चिकन से निकला है। तो अब हम इसे बिना ढक के कुक करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। बीच बीच में हम इसे स्टर भी करते रहेंगे। थोड़ी देर में इसका सारा पानी जो है जल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा पानी जो है जल चुका है। हमारा चिकन भी अच्छे से भून चुका है। इसे एक बार स्टर करेंगे। इस तरह से जब हमारा चिकन दिखने लगेगा, तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमें एक कढ़ाई में डालना है 3 चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे हमें 30 सेकेंड के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 4 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी,
यहाँ पर मैंने टमाटर को पीस के इसको छान लिया था। इसमें अब हमें एक बॉयल लाना है। जब एक बार ये अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने प्याज का प्यूरी बनाया था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसे स्टर करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाला है गरम मसाला। दो चम्मच डाला है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी यूज करेंगे हम इसमें, क्योंकि जब हमने चिकन मैरिनेट किया था तब हम उसमें हल्दी यूज किए थे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हमें ढक के 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। पांच मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये रोस्टेड चिकन। इसे एक बार स्टर करेंगे। अब इसे हमें ढक के मीडियम फ्लेम पे इसे हमें 10 मिनट के लिए कुक करना है। दस मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसे हम मिक्स करेंगे। और ये हमारा चिकन चंगेजी बनकर रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।